नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है महाकौशल सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन के बारे में, जो कि जबलपुर जंक्शन मध्य प्रदेश से हजरत निजामुद्दीन नई दिल्ली के बीच में रोजाना स्टार्ट हो जाएगी 21 जनवरी से। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है महाकौशल सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन के बारे में। ये जो पहले कोरोना पीरियड के पहले ये महाकौशल सुपरफास्ट एक्सप्रेस के नाम से चलती थी, अभी ये जो ट्रेन है महाकौशल सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन के नाम से चल रही है और 21 जनवरी से ये जबलपुर से नई दिल्ली के बीच में दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। इसका ट्रेन नंबर है 02195 और ये जो ट्रेन है जबलपुर से 21 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी। तकरीबन 17 घंटे में जर्नी जो है अपनी कवर करेगी जबलपुर से हजरत निजामुद्दीन की, और इसके तकरीबन 28 स्टेशन से 957 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है और इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 56 किलोमीटर पर आवर। कोविड-19 रिजर्व ट्रेन है और अगर हम बात करें इससे चलने की फ्रिक्वेंसी के बारे में तो ये डेली ट्रेन होगी, हफ्ते के सातों दिन चलेगी जबलपुर से हजरत निजामुद्दीन के बीच में। अगर हम बात करें इसके टिकट किराए के बारे में तो मैं जो अभी आपको आगे टिकट किराया बताऊंगा वो जबलपुर से हजरत निजामुद्दीन तक का बताऊंगा, बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म कर लें, वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं महाकौशल सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन के टिकट किराए के बारे में। इसमें एक फर्स्ट एसी का कोच होगा जिसका टिकट किराया जो है 3140 रुपये है, जो कि होगा जबलपुर से हजरत निजामुद्दीन नई दिल्ली तक। अगर इसके फेयर को ब्रेक करें तो बेस फेयर इसमें 2855 रुपये है, रिजर्वेशन चार्ज 60 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 75 रुपये है और जीएसटी चार्ज जो है 150 रुपये है। टोटल किराया जो इसका बनता है वो है 3140 रुपये। इसके अलावा इस ट्रेन में सेकेंड एसी के कोच भी हैं। सेकेंड एसी का जो किराया है, टोटल किराया है वो है 1860 रुपये, जो कि जबलपुर से हजरत निजामुद्दीन तक का बता रहा हूँ, जिसमें बेस फेयर है 1676 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज है 45 रुपये, सुपरफास्ट चार्ज है 45 रुपये और जीएसटी चार्ज जो है वो 90 रुपये के करीब है। बाकी इसमें 1860 रुपये इसका टोटल किराया बनता है। इसके अलावा इस ट्रेन में थर्ड एसी के कोच भी हैं। थर्ड एसी का जो जबलपुर से हजरत निजामुद्दीन तक का जो टोटल किराया है वो है 1310 रुपये, जिसमें 1162 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये है, जीएसटी चार्ज जो है 63 रुपये है। टोटल किराया जो बनता है वो है 1310 रुपये। ये जो मैं अभी आपको किराया बता रहा हूँ ये अपडेटेड और सही किराया है, आप किसी भी रेलवे वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म कर ले। इसके अलावा स्लीपर क्लास के कोच भी है। स्लीपर क्लास में कोई जीएसटी चार्ज नहीं जोड़ा जाता। जबलपुर से हजरत निजामुद्दीन तक का जो स्लीपर क्लास का जो किराया है वो है 450 रुपये, जिसमें रिजर्वेशन चार्ज है 20 रुपये, सुपरफास्ट चार्ज है 30 रुपये, टोटल किराया जो बनता है वो है 500 रुपये। इसके अलावा इस ट्रेन में जनरल अनरिजर्व डिब्बे भी हैं। जनरल अनरिजर्व डिब्बों में अगर आपको अभी ट्रैवल करना है तो ये कोविड रिजर्व स्पेशल ट्रेन है, तो आपको जो है उसमें सेकंड सीटिंग का किराया लगेगा और यानी कि आपको जनरल डिब्बों में भी रिजर्वेशन करा के जाना पड़ेगा। जब रिजर्वेशन के साथ जो किराया है जनरल डिब्बों में वो है 295 रुपये, जो कि जबलपुर से हजरत निजामुद्दीन तक का मैं आपको किराया बता रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आगे हम बात करेंगे जबलपुर जंक्शन से हजरत निजामुद्दीन तक चलने वाली महाकौशल सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में और जान लेंगे इसके कौन कौन से स्टेशन आते हैं। जबलपुर से हजरत निजामुद्दीन तक चलने वाली महाकौशल एक्सप्रेस जो है जबलपुर जंक्शन से रोजाना 21 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी। शाम के 6:10 पर ये रोजाना चलेगी और तकरीबन 17 घंटे बाद ये ट्रेन जो है हजरत निजामुद्दीन नई दिल्ली में पहुंचेगी। इसके बाद जो दूसरा स्टेशन है इस ट्रेन का वो है सिहोरा रोड। सिहोरा रोड मध्य प्रदेश में ट्रेन जो है शाम के 6:38 पर पहुंचेगी और 6:40 पर वहाँ से रवाना हो जाएगी। 2 मिनट का स्टॉप है, तकरीबन 38 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होगी और यहाँ पर ये ट्रेन जो है दो ट्रेनों को क्रॉस करती है। सिहोरा रोड का स्टेशन कोड है SHR। इसके बाद ये ट्रेन जो है कटनी जंक्शन में पहुँचेगी शाम के 7:15 पर और 7:20 पर वहाँ से रवाना हो जाएगी। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 90 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी। इसके बाद ये ट्रेन जो है मध्य प्रदेश के मेहर स्टेशन में पहुंचेगी रात के 8:13 पर और 8:15 पर वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 153 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होगी और यहां पर ये ट्रेन जो है दानापुर सिकंदराबाद कोलोन स्पेशल ट्रेन के साथ इसकी क्रॉसिंग होगी। मेहर का जो स्टेशन कोड है वो है MYR। इसके बाद मध्य प्रदेश के सतना जंक्शन में ट्रेन जो है रात के 8:55 पर पहुंचेगी और 9 बजे वहाँ से रवाना हो जाएगी। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, तकरीबन 190 किलोमीटर की यात्रा जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होगी। सतना जंक्शन में यह ट्रेन जो है पटना मुंबई सुविधा फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन के साथ इसकी क्रॉसिंग होगी। जैतवार में स्टेशन में यह ट्रेन जो है रात के 9 बज के
18 मिनट पे पहुंचेगी और 9:20 पे महाकौशल एक्सप्रेस जो है वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। यहां पर ट्रेन जो है कामाख्या मुंबई एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होगी। इसके बाद ये ट्रेन जो है मझगावन स्टेशन में पहुंचेगी। मझगावन स्टेशन जो है मध्य प्रदेश का आखिरी स्टेशन है। यहाँ पर ट्रेन जो है रात के 9:38 पर पहुंचेगी और 9:40 पर वहाँ से रवाना हो जाएगी। 2 मिनट का स्टॉप है। 230 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होगी। भागलपुर सूरत ताप्ती गंगा सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद चित्रकूट धाम करवी में ये ट्रेन जो है रात के 10:50 पर पहुँचती है और 10:52 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद अटारा उत्तर प्रदेश में रात के 11:17 पर पहुँचती है और 11:19 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। बांदा उत्तर प्रदेश में ये ट्रेन जो है रात के 11:52 पर पहुँचती है और 11:57 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 360 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है BND है। महोबा जंक्शन उत्तर प्रदेश में ट्रेन जो है रात के 1:08 पर पहुँचती है और 1:10 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 412 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है MBA। इसके बाद ये ट्रेन जो है बेलाताल उत्तर प्रदेश में रात के 1:46 पर पहुंचती है और 1:48 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और तुलसी COVID-19 सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। हरपालपुर मध्य प्रदेश में ट्रेन जो है रात के 2:10 पर पहुंचती है और 2:12 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 465 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है और हरपालपुर का जो स्टेशन कोड है वो है HPP। ये यहां पर ट्रेन जो है हरपालपुर जो है वैसे मध्य प्रदेश का स्टेशन है। इसके बाद ये ट्रेन जो है दोबारा उत्तर प्रदेश में एंटर करती है। उत्तर प्रदेश के मऊपुर रानी जिसका स्टेशन कोड है MRPR यहाँ पर रात के 2:34 पर पहुँचती है और 2:36 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 490 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है और ये इस ट्रेन का 15वां स्टेशन है। इसके बाद ये ट्रेन जो है झांसी जंक्शन उत्तर प्रदेश में पहुँचती है रात के 3:40 और 3:50 वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। 550 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। यहाँ पर हरिद्वार मुंबई COVID-19 सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। दतिया मध्य प्रदेश में ये ट्रेन जो है सुबह 4:08 पर पहुँचती है और 4:10 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है और इसके बाद ये ट्रेन जो है डबरा स्टेशन में पहुँचती है सुबह 4:30 पर और 4:32 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 609 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। डबरा स्टेशन का जो स्टेशन कोड है वो है DBA और ये इस ट्रेन का 17वां स्टेशन है। इसके बाद डबरा के बाद तकरीबन 48 मिनट बाद ये ट्रेन जो है 42 किलोमीटर की जर्नी करके ये ग्वालियर जंक्शन मध्य प्रदेश में पहुंचती है। ग्वालियर जंक्शन मध्य प्रदेश का जो स्टेशन कोड है वो है GWL। यहां पर महाकौशल सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन जो है सुबह 5:20 पर पहुंचती है और 5:22 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 651 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है मुरैना जो कि मध्य प्रदेश का आखिरी स्टेशन है यहां पर ये ट्रेन जो है सुबह के 5:51 पर पहुंचती है और 5:53 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 690 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। राजस्थान के इकलौते स्टेशन ढोलपुर जंक्शन में ट्रेन जो है सुबह 6:38 पर पहुंचती है और 6:40 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 717 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। मुरैना के बाद ढोलपुर के बाद ये ट्रेन जो है आगरा कैंट उत्तर प्रदेश में सुबह 7:15 पर पहुंचती है और 7:20 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। 770 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है और हजरत निजामुद्दीन विशाखापट्टनम स्वर्ण जयंती फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। राजा की मंडी में यह ट्रेन जो है सुबह 7:28 पर पहुंचती है और 7:30 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। राजा की मंडी के बाद यह ट्रेन जो है मथुरा जंक्शन उत्तर प्रदेश में सुबह 8:08 पहुँचती है और 8:05 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 821 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। मथुरा जंक्शन का जो स्टेशन कोड है वो है MTJ। इसके बाद महाकौशल सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन जो है उत्तर प्रदेश के आखिरी स्टेशन कोसी कला में पहुँचती है सुबह 8:28 पे और 8:30 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। यहाँ पर अगस्त क्रांति COVID-19 स्पेशल ट्रेन के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है और इसके बाद ये ट्रेन जो है हरियाणा में एंटर करती है। हरियाणा के पहले स्टेशन पलवल में ये ट्रेन जो है सुबह 9:38 पर पहुंचती है और 9:40 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है।
904 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है PWL। इसके बाद ये ट्रेन जो है बल्लभगढ़ हरियाणा में सुबह 9:56 पर पहुंचती है और 9:58 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है और यहाँ पर वलसाड हरिद्वार कोविड 19 स्पेशल ट्रेन के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है और तकरीबन 926 किलोमीटर की यात्रा जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है BVH। इसके बाद ये ट्रेन जो है महाकौशल सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन जो है हरियाणा के आखिरी स्टेशन फरीदाबाद स्टेशन में पहुंचती है सुबह 10:09 पर और 10:11 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर ये ट्रेन जो है सचखंड कोविड 19 स्पेशल ट्रेन के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है और इसका स्टेशन कोड है FDB। इसके बाद महाकौशल सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन जो है वो अपने आखिरी स्टेशन हजरत निजामुद्दीन नई दिल्ली में सुबह 11:10 पर पहुँचती है और 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहाँ तक की जो टोटल दूरी है ये 955 किलोमीटर के करीब जो है ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है और हजरत निजामुद्दीन का जो स्टेशन कोड है वो है NZM। दोस्तों इसी के साथ महाकौशल सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें ताकि इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुँचती रहे और फीडबैक जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर फीडबैक दें और साथ में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी नेक्स्ट वीडियो में कौन सी बनाऊं। यहां तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।